मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। महापराक्रमी महाराजा दशरथ के साथ मेरी मित्रता देवासुर संग्राम के समय हुई थी, जब उन्होंने समरसुर का संहार किया था। उस दिन उन्होंने मुझे गले लगाकर कहा था कि जटायु, तुम मेरे प्राणों जैसे प्यारे हो, तुम उनके पुत्र हो तो जैसे मेरे ही पुत्र हो। ये एक गूढ़ रहस्य है। श्री राम रावण के हृदय को लक्ष्य करके बाण नहीं चलाएंगे, क्योंकि श्री राम जानते हैं कि रावण के हृदय में निरंतर सीता का वास है। सीता के हृदय में स्वयं प्रभु श्री राम हर क्षण विराजमान रहते हैं, और प्रभु के उदर में तो 14 भुवन सातों खंड सृष्टि बसी है। इस अवस्था में यदि बाण मारेंगे तो रावण के साथ सीता, उसके साथ राम और राम के साथ समस्त ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। भगवान, जब महर्षि नारद के कहने पर मैं श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने लंका गया, तो वहां मैंने उन्हें बड़ी दीन अवस्था में देखा। नागपाश में बंधे मरणासन्न थे। जब मैंने उनका बंधन काटा तब उनकी चेतना जागी। ये सब देखकर मेरे मन में यह प्रश्न उठा कि जिनका नाम लेने से प्राणी संसार के बंधनों से छूट जाते हैं, वही प्रभु एक तुच्छ राक्षस द्वारा नागपाश में बंधे पड़े हैं। जिनकी मुक्ति मेरे द्वारा हुई है वो कैसा भगवान? महाराज एक योगी के पास कुछ मांगने जा रहे हैं, अपना ऐश्वर्य और पराक्रम दिखाने नहीं जा रहे हैं। देवी, भिक्षा खाली झोली में ही डाली जाती है। एक महात्मा के पास अपना वैभव दिखाने जाओगे तो सोने चांदी की चमक दमक और अहंकारी लेकर आओगे। आपने सत्य कहा गुरुदेव, ऋष्यशृंग मुनि के द्वार पर राजा दशरथ नहीं भिक्षुक दशरथ नंगे पांव जाएगा। आशीर्वाद दीजिए। तुम्हारी मनोकामना सफल होगी राजन।